हाँ, बहुत सी सिमिलैरिटीज़ हैं जब हम बलेनो और ग्लांजा, इनविक्टो और हाई क्रॉस, अर्टिगा और रूमियन, हाई राइडर और ग्रैंड विटारा, और अब फ्रॉन्क्स और टोयोटा टाइजर को आमने सामने रखते हैं। बहुत कुछ सेम है, डिज़ाइन वगैरह और काफ़ी चीज़ें भी दोनों गाड़ियों में सेम देखने को मिलती है, लेकिन इस कोलैबोरेशन के बाद से अगर सेल्स के आंकड़ों की बात करें तो टोयोटा को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तकरीबन 40% से ज़्यादा की सेल्स टोयोटा की इंक्रीज़ हुई है और ग्लांजा जो है उनके लाइनअप में एक बहुत ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी बन चुकी है, तो वो मामला वहाँ पे टोयोटा के लिए सॉलिड है। लेकिन अब हाल ही में टोयोटा ने टाइजर को इंट्रोड्यूस किया है जो कि फ्रॉन्क्स का एक रीबैच्ड वर्जन है। तो क्या चेंजेस इस टाइजर में देखने को मिलते हैं फ्रॉन्क्स के मुकाबले, क्या एक्स्ट्रा है और क्या चीज़ें इसमें भी मिसिंग है जो हमें फ्रॉन्क्स में देखने को मिलती हैं, और कीमतों में भी जो थोड़ा बहुत अंतर है वो फ्रॉन्क्स और टाइजर में देखने को मिलता है, बात करने वाला हूँ मैं उन सभी के बारे में आपसे इस वीडियो में। और वीडियो के अंत में बताऊंगा हमेशा की तरह आपको तीन धासु और तीन नॉर्थ धासु एलिमेंट्स अबाउट दी टोयोटा टाइजर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टाइम्स ड्राइव में, मैं हूं अंकुर तनेजा और शुरुआत करते हैं इस टोयोटा टाइजर के रिव्यू। तो फटाफट जो थोड़े बहुत चेंजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रिल और बम्पर जो है कम्प्लीटली डिफरेंट मिलेगा फ्रॉन्क्स के मुकाबले। यहाँ पे वही हाई क्रॉस वाला ग्रिल वाला फील आपको देखने को मिलेगा, पैन ब्लैक प्लस क्रोम एलिमेंट्स एंड ऑल्सो जो DRL का डिज़ाइन है वो भी डिफरेंट आपको फ्रॉन्क्स से यहाँ पर इसमें देखने को मिलने वाला है टाइजर के अंदर। फिर साइड की बात करें तो जो मेजर चेंज साइड में है वो है इसके अलॉय व्हील्स। साइज़ वगैरह सब कुछ सेम है, कोई डिफरेंस व्हील साइज में नहीं है। अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन डिफरेंट देखने को मिलता है एंड मुझे जो डिज़ाइन है अलॉय व्हील्स का फ्रॉन्क्स के मुकाबले इस टाइजर का ज़्यादा बेटर लग रहा है। किसका आपको ज़्यादा बेटर लगता है वो भी आप बताइएगा हमें। इसके अलावा साइड प्रोफाइल वगैरह जो डिज़ाइन है, यहाँ पे रूफ रेल्स वगैरह हैं, सब कुछ सेम है। क्रोम एलिमेंट्स डोर के आसपास दिए गए हैं, बॉडी कलर डोर हैंडल देखने को मिलते हैं एंड क्लैडिंग भी आपको थ्रू आउट इस गाड़ी में देखने को मिलेगी। अब मारुति का इस गाड़ी को लाने का पर्पस बेसिकली यही था कि हैचबैक वाले सेगमेंट में थोड़ा सा SUV फील देकर, थोड़ी बेटर ग्राउंड क्लीयरेंस देकर एंड थोड़ा सा प्रीमियम एलिमेंट्स देकर इस गाड़ी को मारुति ने इंट्रोड्यूस किया था। एंड ऑल्सो इसमें एक 1 लीटर का बूस्टर जेट यानी कि टर्बो इंजन भी मारुति ने इंट्रोड्यूस किया था जो कि इस टोयोटा की टाइजर में भी देखने को मिलता है। अब रियर में भी चेंज बहुत ही माइन्यूट सा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तभी पता चलेगा। थोड़ा सा इसके टेल लैंप वाले जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कनेक्टेड लाइट वगैरह दी गई है वो सब भी आपको यहाँ पे टोयोटा इस टाइजर में फ्रॉन्क्स की तरह ही ऑफर कर रही है। अर्बन क्रूजर टाइजर टोयोटा इसको बोल रही है एंड ये जो है V वेरियंट इसका टॉप वेरियंट है। नियो ड्राइव यानी कि स्मार्ट हाइब्रिड वाला एंगल भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलता है। तो ओवरऑल डिज़ाइन में कुछ थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। अब अंदर जो है वहाँ पर भी जो मामला है इन टर्म्स ऑफ कैबिन फीचर्स वगैरह की बात करें तो वो भी एकदम सिमिलर है, लेकिन क्या क्या ऑफर टाइजर में करा जा रहा है, किस तरह का इंटीरियर है, फटाफट उसको भी देख लेते हैं। अब इंटीरियर में क्या क्या फीचर्स देखने को मिल रहे हैं फटाफट कुछ कुछ जो मेजर फीचर्स हैं उनकी बात करते हैं। यहाँ पे आपको 9 इंच का स्क्रीन देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको वायरलेस एंड ऑटो एप्पल कारप्ले के ऑप्शन मिल जाते हैं एंड स्मार्ट प्ले कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी यहाँ पे इसमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको AC कंट्रोल्स के बटन हैं, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग, कप होल्डर्स, USB-A चार्जिंग पॉइंट, 12 वोल्ट का सॉकेट, ये सब ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर जो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, 2 डायल्स हैं, सेंटर में MID है, फुल डिजिटल होता है ज़्यादा बेटर लगता है एंड सेम फ्रॉन्क्स वाला ही है। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर आपको इसमें ये HUD डिस्प्ले भी देखने को मिलता है जो अगेन फ्रॉन्क्स में ऑफर करा जाता है। इंटीरियर की बात करें तो देखने में जो कैबिन का ओवरऑल फील है यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी देखने को मिलेंगे। ये टॉप वेरिएंट है तो यहाँ पे किस तरह का मामला है, इसमें आपको ग्रे, यहाँ पे कुछ इस तरह का मरून टोन देखने को मिलेगा एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन यहाँ पे इसमें दिया गया है। तो ये मामला कुछ इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर है। कुछ चीज़ें जो मुझे लगता है थोड़ी बहुत मिसिंग है, जैसे कि यहाँ पे पूरे डिजिटल अगर इसमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता तो ज़्यादा बेटर लगता है। मैग्नेट और कागज जैसी गाड़ियों में वो आता है लेकिन यहाँ पे मारुति या फिर टोयोटा भी अब इसमें ऑफर नहीं कर रही है। इसके अलावा जो है सनरूफ का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। सीट्स जो है वहाँ पे लेदरेट का ऑप्शन नहीं है। अगर टॉप रेंट की बात करें तो ये भी एक मिसिंग एलिमेंट मुझे देखने को इसमें मिलता है। इसके अलावा जो और मिसिंग एलिमेंट है वो है इसकी रियर सीट में जो है आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मिसिंग लगती हैं, लेकिन मोटा मोटा गाड़ी का जो ओवरऑल इंटीरियर और कैबिन का फील है वो प्रीमियम लगता है। ओवरऑल जो फीचर्स की रिक्वायरमेंट है वो देखने को यहाँ पे मिलती है। एक और जो मिसिंग एलिमेंट मुझे लगता है थोड़ा सा अड़चन ड्राइव के दौरान जो डालता है वो है, यहाँ पे आप व्यू देख रहे हैं जो ये रियर व्यू मिरर है और स्क्रीन के बीच का ये छोटा सा एरिया रह जाता है, काफ़ी ब्लॉकेज यहाँ पर स्पेशली इस रियर व्यू मिरर की वजह से होती है। तो ये मुझे लगता है एरिया थोड़ा सा बेटर मैनेज होता तो ड्राइव के दौरान थोड़ी सी कन्वीनियंस या विजिबिलिटी थोड़ी और बेटर हो सकती थी। अब इंटीरियर एक्सटीरियर के अलावा कुछ और जो चेंजेस हैं उनकी बात करें, सबसे पहले जो है
कलर ऑप्शन में आपको डिफरेंस देखने को मिलेंगे फ्रॉन्क्स और टाइजर के अंदर। टाइजर में जो है आपको 5 मोनोटोन और 3 ड्यूल टोन के ऑप्शन मिलते हैं, जबकि जो फ्रॉन्क्स है वहां पर आपको 6 मोनोटोन और 4 ड्यूल टोन के ऑप्शन मिलते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर चाहिए तो वो आपको टाइजर में नहीं मिलेगा, वो आपको सिर्फ फ्रॉन्क्स में मिलेगा। तो थोड़े से कलर ऑप्शंस हालांकि फ्रॉन्क्स में आता है, लेकिन अगर आपको ड्यूअल टोन में इसका व्हाइट और ब्लैक चाहिए तो वो आपको सिर्फ टाइजर में मिलने वाला है, वो आपको फ्रॉन्क्स में नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ कलर कॉम्बिनेशंस आपको ब्रांड के हिसाब से देखने को मिलेंगे, जो आपको चाहिए टाइजर में वो यहाँ पर कुछ अलग मिलेगा और फ्रॉन्क्स में कुछ अलग आपको कलर ऑप्शन देखने को मिलने वाले हैं। इसके अलावा जो है अंतर जो है वो है वेरिएंट्स को लेकर। इसमें जो है टाइजर में आपको एक जो वेरिएंट है कम मिलता है कंपेयर टू फ्रॉन्क्स, एक डेल्टा प्लस वेरिएंट का एक्स्ट्रा ऑप्शन मारुति की फ्रॉन्क्स में ऑफर करा जाता है, जो कि टाइजर में नहीं करा जाता। एंड इसमें जो आपको सीएनजी जो है वो सिर्फ बेस वेरिएंट में मिलेगा, जबकि जो सीएनजी का ऑप्शन मारुति की फ्रॉन्क्स में जो है वो बेस में भी है और उसके एक मिड वेरिएंट में भी डेल्टा में देखने को मिलता है। तो वो ऑप्शन वहाँ पे सीएनजी को लेकर इन टर्म्स ऑफ वेरिएंट एक्स्ट्रा फ्रॉन्क्स में दिया गया है। तो प्राइस का भी अंतर दोनों गाड़ियों में कुछ वेरिएंट्स में देखने को मिलता है। अगर टर्बो वेरिएंट्स को साइड पर कर दें तो अगर बाकी जो वेरिएंट्स हैं तो वहाँ पर 20 से 25 हज़ार के आसपास आपको टाइजर में थोड़े एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे फ्रॉन्क्स के कंपेरेटिवली, लेकिन जो टर्बो वेरिएंट्स हैं वहाँ पर टाइजर और फ्रॉन्क्स दोनों के प्राइस सेम रखे गए हैं, कोई अंतर वहाँ पे नहीं रखा गया। तो ये चीज़ें भी आपको डिफरेंट देखने को मिलने वाली है इन टर्म्स ऑफ प्राइस टाइजर और फ्रॉन्क्स की अगर बात करें तो। अब एक और जो फाइनल अंतर है इन दोनों गाड़ियों में वो है वारंटी को लेकर। टोयोटा की गाड़ियों या फिर टाइजर में भी आपको 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, जबकि जो मारुति की गाड़ियाँ या फिर फ्रॉन्क्स है वहाँ पर आपको 2 साल और 40 हज़ार किलोमीटर की वारंटी मिलती है। तो ये भी एक अंतर इन दोनों गाड़ियों में है इन टर्म्स ऑफ वारंटी। अब इंजन ऑप्शंस की बात करें तो सेम वही इंजन ऑप्शन जो फ्रॉन्क्स में देखने को मिलते हैं वही टाइजर में भी हैं। 1 लीटर टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन का ऑप्शन है और 1.2 लीटर नेचुरल स्पिरिट पेट्रोल इंजन का ऑप्शन देखने को मिलता है और सीएनजी का ऑप्शन टाइजर में भी टोयोटा दे रही है। इसके अलावा जो गियरबॉक्स के ऑप्शन हैं 6 स्पीड ऑटोमेटिक और 5 स्पीड मैनुअल का ऑप्शन आपको दोनों इंजन कॉम्बिनेशन के साथ देखने को मिलेगा। अब परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही इंजन का परफॉर्मेंस अच्छा है। 1.2 लीटर जो इंजन है काफी रिफाइंड है और रिलायबल है एंड परफॉर्मेंस के मामले में भी वो निराश नहीं करता। सिटी में ऑफकोर्स आपको वो बेटर रिफाइंड, चाहे आप तेज रफ्तार में हैं धीमी रफ्तार में हैं, दोनों ही माहौल में आपको एक रिफाइंड परफॉर्मेंस इस इंजन से निकलता हुआ दिखेगा। वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ा हाईवेज की राइड के हिसाब से तो वहां पर 1 लीटर टर्बो वाला ऑप्शन आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। परफॉर्मेंस वहां पर भी अच्छा है, कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस उस 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन में भी देखने को नहीं मिलती है। इसके अलावा सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो वहां पर भी मामला सॉलिड है, तेज रफ्तार धीमी रफ्तार अगर अचानक से भी गड्ढे आते हैं स्पीड बम्प्स आते हैं तो कोई दिक्कत इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट। सस्पेंशन सेटअप की अगर ट्यूनिंग की बात करें तो वो भी इस टाइजर में देखने को नहीं मिलती है, उसका भी एक बैलेंस अच्छा इस टाइजर में दिया गया है। इसके अलावा जो सीट्स हैं वो भी कंफर्टेबल हैं और सीट्स की जो बोल्स्टरिंग है वो भी अच्छी देखने को मिलती है। आप शार्प टर्न्स वगैरह ले रहे हैं तो वहाँ पर भी सीट्स का जो होल्ड है वो अच्छा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं धांसू और नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स, क्या लगे मुझे इस टाइजर को एक्सपीरियंस करने के बाद। तो पहले बात करते हैं नॉर्थ धांसू एलिमेंट्स की, इसमें से पहला है अंदर जो है कुछ चीज़ें मिसिंग है। इसमें आपको रियर में जो है पैसेंजर्स के लिए रियर सीट में आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है, जो कि फ्रॉन्क्स में भी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस प्राइस पॉइंट की गाड़ी में वो रियर आर्मरेस्ट होना चाहिए था। सो दैट इज द फर्स्ट नॉर्थ धांसू एलिमेंट। देन दूसरा नॉर्थ धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को लेके। इसमें जो आपको फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं मिलता, जो कि फ्रॉन्क्स में भी नहीं मिलता। अगेन प्राइस वाली बात जब आती है तो मुझे लगता है इससे कम प्राइस की गाड़ियों में अब वो ऑफर करा जा रहा है, तो यहाँ पर भी होता तो थोड़ा और बेटर पैकेज ये गाड़ी की बन सकती थी। एंड फाइनल नॉर्थ धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है सनरूफ और जो लेदर सीट्स का ऑप्शन है वो इसमें मिसिंग देखने को मिलता है। टॉप एंड में भी ये ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं। अब बात करते हैं धांसू एलिमेंट्स क्या लगे मुझे इस टाइजर के बारे में। देन डिज़ाइन को लेकर मुझे कोई शिकायत नहीं है। फ्रंट साइड रियर प्रोफाइल देखें तो तीनों एंगल से मुझे गाड़ी का डिज़ाइन अच्छा देखने को मिलता है। ऑल्सो जो इसका एलॉय व्हील्स का डिज़ाइन है, अगेन आई एम सेइंग फ्रॉन्क्स से मुझे बेटर इसके एलॉय व्हील्स लग रहे हैं। देन अगला धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके 1 लीटर जो टर्बो इंजन है उसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। शुरुआत से ही टॉर्क डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, पावर काफ़ी अच्छा है, तो वहाँ पर भी कोई शिकायत मुझे इन टर्म्स ऑफ पावर डिलीवरी इस 1 लीटर टर्बो में देखने को नहीं मिली है। देन तीसरा और फाइनल धांसू एलिमेंट जो मुझे लगा है वो है इसके इंटीरियर या कैबिन फील को लेकर। जिस तरह के कलर कॉम्बिनेशन हैं, जिस तरह का प्रीमियमनेस थोड़ा बरकरार रखने की कोशिश करी गई है एंड स्पेस भी अच्छा खासा कैबिन में देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी मामला मुझे सॉर्टेड दिखाई देता है। ओवरऑल एज अ पैकेज की बात करें इस टाइजर की, तो एक जो मेजर एडवांटेज जब से कोलैबोरेशन हुआ है वो टोयोटा की गाड़ियों के पास ही है वो है वारंटी को लेकर।
और वही सेम एडवांटेज इस टाइजर में भी देखने को मिलता है, जो कि 3 साल 1,00,000 किलोमीटर की वारंटी आपको इस टोयोटा की गाड़ी मिलती है। वहीं मारुति की जो फ्रॉन्क्स है वहां पर आपको 2 साल और 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। सो बेटर पीस ऑफ माइंड मुझे लगता है इस वारंटी के थ्रू आपको टोयोटा की इस गाड़ी में मिलने वाला है या टोयोटा के और प्रोडक्ट्स में मिलता है। लेकिन यस, कुछ चीज़ों में मिस आउट करती है, जो कि सेम चीज़ें फ्रॉन्क्स में मिसिंग थी वो यहाँ पर भी हमें मिसिंग देखने को मिली हैं। लेकिन अगर ओवरऑल डिज़ाइन की बात करें, ओवरऑल कैबिन फील की बात करें, फीचर्स की बात करें, परफॉर्मेंस की बात करें एंड ऑल्सो ये एडिशनल वारंटी की बात करें, तो मुझे लगता है इन मायनों के हिसाब से अगर आप कोई गाड़ी तलाश रहे हैं इस सेगमेंट में, इस प्राइस पॉइंट में, तो मुझे लगता है इन मायनों के हिसाब से टोयोटा की टाइजर एक वेल राउंडेड और एक रिलायबल पैकेज आपके लिए बन सकती है।